ਸੋ ਵਾਟਸ ਅਪ ਗਾਇਜ਼, ਨਮਸਤੇ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਛੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਲਵ ਰੈਜੂਮੈਂਟ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੋ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਗਾਇਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਰਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਕੈਫੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਹਮ ਫੂਡੀ ਤੋ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਫੂਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ, ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਵਹਾਂ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਂ ਪੇ ਆਏ ਇਹ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਟ OTM ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਐਂਡ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਹੈ। लाइटनिंग देख सकते हो कैसे जगमगा रही है, पूरा सिस्टम है। तो प्रॉपर व्यू आपको दिखा दिया एक लाइटनिंग वाला, अंदर भी जाते हैं अभी, सेटिंग भी दिखाते हैं आपको कैसी है, बाहर भी सेटिंग है प्रॉपर अच्छी थी, एंड पूरा सिस्टम अच्छे से हुआ है पड़ा। तो आपको प्रॉपर एक एक चीज दिखाएंगे इसकी, OTM कुक हाउस की। तो यहाँ पे लाइक वाटरफॉल होता है जो अभी अभी बंद है, तो ये देख सकते हो प्रॉपर व्यू, और हम एंट्रेंस करेंगे यहाँ से। देख सकते हो भाई कितना कैड़ा लग रहा है, बम जैसे पंजाबी में कहते हैं आप, बम देख सकते हो। तो इसकी एंट्रेंस है, सो वी आर इन गोइंग इनसाइड। तो चलते हैं भाई अंदर, और फिर से देख लो यहाँ पे फोटो शूट अच्छे से कराएंगे, सारा सिस्टम करेंगे जैसा भी सीन होगा। लेट्स गो इनसाइड। प्रॉपर देख लो म्यूजिक चल रहा है, पूरी वाइब्स आ रही है, दरवाजा बज गया था थोड़ी, और ये देख सकते हो क्या बात है भाई, क्या बात है, नज़ारेदार। लाइक सिटिंग एरिया इज लाइक देयर एंड हेयर एंड हेयर एंड हेयर, आराम से देखो, बढ़िया सा मोल चाल है, स्टाफ है सारा यहाँ पे। छोटा सा आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉपर व्यू दिखा के, प्रॉपर लाइक छोटी सी लाइक ब्लिंकिंग कर। सो गाइस, प्रॉपर व्यू दिखा दिया तुहानू, सिनेमैटिक शो ना, प्रॉपर व्यू दिखाता है। हुण चलदे हां बाहर, बाहर भी सिटिंग बहुत वधिया, प्रॉपर देख सकते हो, प्रॉपर सिटिंग एरिया, ऑल दैट स्टफ। तुसीं आ सकते हो फ्रेंड्स फैमिली, म्यूजिक चल रहा है बहुत वधिया, ते फ्रेंड्स फैमिलीज अपना पूरा सवेरे 10 बजे तों लैके राती 11 बजे तक खुला रहिंदा, लाइक 10:45 to 11 तक। तो आओ फैमिली के साथ मनोरंजन उठाओ। आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ एक बारी मैं, प्रॉपर लाइटिंग वहाँ बाहर भी है। सो गाइस, अपन चलते हैं बाहर। ओह माय गॉड, सो गाइस दिस इज आवर रेस्ट रूम एंड दिस इज आवर व्यू। गाने चल रहे हैं, थोड़ा होगा डिस्टर्बेंस। सीटिंग व्यू है यहाँ का, वो अंदर का व्यू है, ये बाहर का है। लेकिन सी थोड़ा गर्मी लग रही है, तो फैन फून भी चला सकते हैं थोड़ा, लेकिन लोगों के लिए लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी थोड़ा। तुम हाउस वाला देख सकते हो, वहाँ पे कितना अच्छा ऐसे बनाया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है रात के टाइम। OTM कुक हाउस गाइस, मस्ट विजिट। म्यूजिक लाइव चल रहा है, थोड़ा बोलने में लैस हो रहा है, मैं कम नहीं करूंगा क्योंकि वाइब खराब हो जाती है, अगर म्यूजिक कम हो गया ना तो सही नहीं रहता। फिर भी हम बोल अच्छा बोलेंगे, एक तो आपको सुनाई दे प्रॉपर मेरी वॉइस, पूरा सिस्टम। तो मैं नीचे चलता हूँ, अभी नीचे ऊपर खड़ा हूँ, देखो लेट्स गो डाउन एंड आपको प्रॉपर ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ जैसा सिस्टम है कैसा भी है। भाई ये देख सकते हो बम माहौल चाल, कितना व्यू अच्छा लग रहा है। लाइटनिंग है, लाइटनिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे सीटिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ, पूरा बैठे हुए हैं, देखो माहौल चाल। तो गाइस ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे फोटो शूट अच्छा सा कराएंगे यहाँ सामने से बैठ के, जैसे भी होता है, जैसे भी जिसने भी आना है। कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल दैट स्टफ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड योर लाइक लाइफ पार्टनर एंड ऑल दैट स्टफ, सही है माहौल चाल, पूरा वाइब देखो बहुत ही बड़ा अच्छा है। गूगल पे डालो और आ जाएगा OTM कुक हाउस।
तैयार हो गई है। मॉकटेल कॉकटेल मॉकटेल क्या है, कौन सी है, नाम क्या है? ब्लू ब्लू हवाई। सो गाइस रेडी हो चुकी है, देख सकते हो विद पाइनएप्पल ऑन द स्टिक्स। बहुत ही डिलीशियस है यार, विच जूस एंड थोड़ी क्रीम, थोड़ा टेस्ट आ रहा है। ब्लू हवाई, चीयर्स टू द लाइफ। तो गाइस थोड़ा पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जैसा भी सिस्टम होता है। गाइस अपना पी रहे हैं अपना ड्रिंक मॉकटेल। देख तो ना, मेरे को कन्फ्यूजन रहती है, देखो बेसिकली कोई बात नहीं है, मॉकटेल कॉकटेल होते हैं ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए हम पीते हैं, मनोरंजन उठाते हैं, चीयर्स करते हैं यार। और आप भी आइए यहाँ पे पहुंची हम कुक हाउस में, और हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं क्योंकि मैं बहुत देर से ब्लॉग कवर अप कर रहा था प्रॉपर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप देखें और लाइक कमेंट करो और शेयर करें, और ये ब्लॉग भी डलेगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पीपल को भी यार देखो एंड शेयर करो जितना हो सकता है। और देहरादून जब भी आ रहे हो ओटीएम कुक हाउस आओ यार। और मैंने फूड मैं सुबह खा चुका था, इंजाम में लंच मेरा था और तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज मैं थोड़ा अपना बिजी था, काम भी कर रहा था साथ में खाना भी खा रहा था, पर मैं थोड़ा घर ले गया, वो थोड़ी क्लिप्स डाल दूंगा, वो भी थोड़ा चेकआउट कर लेना। खाना बहुत डिलीशियस है यार, क्योंकि मैं ऐसे कुछ प्रेज नहीं करता प्रॉपरली किसी की जब तक मेरे को अच्छा नहीं मिलता, और मैं कुछ उसकी भाई बेस्ट दाल मखनी मैं कहूँगा ना, पंजाबी को पसंद है, तड़का लगा के यार मतलब डिलीशियस स्वाद आता ना, क्योंकि मैं ब्लैक कैफे से इतने सारे गया हूँ ना मैं, तो भाई जो कैफे के लाइक टेस्ट होता है ना, लच्छा परांठा अगर तुम खा रहे हो तो एक मुंह में घुल रहा है ना टेस्ट आ रहा है उसका, भी लाइक उसका घी का पता लग रहा है, उसका टेस्ट पता लग रहा है, एक रोटी जो होता है ना मेन जो चीज होती है वो टेस्ट आना चाहिए। बटर चिकन भाई निरायुष, मैं कहता हूँ पंजाबियों को मुर्गा पसंद होता सानू, तो आप बहुत लजीजा सीगा यार, बहुत टेस्टी सीगा। मैं तो फोकी मतलब ऐसे मजाक में नहीं कहता यार, जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन खुद की नहीं होती, और लाइक इतना टेस्ट होता है ना मेनली हमें, मेरे को तो लाइक होता है कि टेस्ट हो मैटर करता है मेरे को, तभी मैं आगे लोगों को कहता हूँ कि हाँ भाई अगर कोई लगा मेरे को तो मैं ऐसे मैं बोल देता हूँ हाँ भाई ये कमी थी ये नहीं था, तो भाई लगा बहुत अच्छा तो कमी मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए यू हैव टू विजिट हेयर। जबरदस्ती भी कह रहा हूँ और वैसे भी कह रहा हूँ तो आपको आना चाहिए, तो अभी देख लो और व्यू, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस वी हैव प्रॉन्स रेड थाई करी, तो देख सकते हो भाई कितनी डिलीशियस है यार, और अपनी थोड़ी ड्रिंक्स भी रेडी हो गई है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ड्रिंक्स देख सकते हो। भैया जी कौन सी ड्रिंक्स है ये? वनीला शेक, पीच आइसट्री। सो गाइस वनीला शेक एंड पीच आइसट्री आर देयर, और भी कुछ बन रहा है, ये क्या है? ग्रीन एप्पल। माय गॉड डिफरेंट नेम्स। सो गाइस बन चुका है, ओह माय गॉड प्रॉपर व्यू देख सकते हो, सुबह आ चुकी है देख सकते हो, और शॉर्ट ले ले इधर थोड़ा सा, बाहर बंदे थे अपने गेस्ट आए हुए हैं इधर ओटीएम, तो प्रॉपर उनका मैं व्यू ले लेते हैं अच्छा से, एक फोटोज एंड ऑल दैट स्टफ। ये तो यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चलता है गाइस, क्योंकि माइक्स वगैरह दिख रहे हैं मेरे को, अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा कर रहा हूँ सारा, देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं अप्रॉक्स, तो बैठे हैं चिल कर रहे हैं, अभी बच चुके हैं 10:30, तो 11 बजे अप्रॉक्स बंद हो जाता है, तो अभी देखते हैं जो बैठे हुए हैं वो बैठे रहेंगे, हम अपना मनोरंजन उठाते हैं, बाहर थोड़ा क्राउड हो चुका है, बैठ चुके हैं लोग सारे, तो उसकी क्लिप्स भी दिखा देता हूँ आपको मैं। गार्लिक ब्रेड्स का तुम ओवरव्यू दिखा देना प्रॉपर करके व्यू, एंड देख ही सकते हो मैं दिखाऊंगा तभी देखोगे ना गाइस, तो मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके, यू कैन सी डिलीशियस इट्स टाइम टू टेक अ बाइट ऑफ गार्लिक ब्रेड, बिकॉज फोटो के सेशन में चक्कर में ना ठंडा हो जाता है। क्रंच एंड चीजी, ओह माय गॉड। सो आई ऐड फ्राई हक्का नूडल्स एंड चिकन पिज्जा, चिकन पिज्जा गुरमीत चिकन पिज्जा। सो गाइस देख सकते हो यम्मी एंड डिलीशियस। गाइस वी हैव बटर चिकन, मटन राड़ा, कुछ पापड़, एंड देखो लच्छा परांठास, डिलीशियस फूड। सो गाइस देखने में इतना लजीजदार पड़ा ना, मेरे पास पड़ा है खाना, मैं घर जाके खाऊंगा आराम से, फिर मिलते हैं आपको लाइक रूम में जाके। गाली पर खत्म हो चुकी है, लेट्स गो एंड हैव फन, गेड़ी गुड़ी मारते हैं अपनी स्कूटी पे।